सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम् तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। पितामह भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने पंचजन नंदिनी असिकनी के गर्भ से हरियश्व और सबलाश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। वे दक्ष प्रजापति की आज्ञा से प्रजा सृष्टि के उद्देश्य को लेकर नारायण सरोवर पर तपस्या करने के लिए गए। नारद जी ने वहां पहुंचकर अपने कूट प्रश्नों के द्वारा उन्हें सृष्टि के मार्ग से विरत करके सन्यासी बना दिया। इस पर दक्ष प्रजापति ने नारद पर क्रुद्ध होकर उन्हें कहीं अधिक देर न ठहरने और लोक लोकांतरों में भटकते रहने का शाप दे दिया। जब दक्ष ने ब्रह्मा जी से नारद की शिकायत की तो उन्होंने दक्ष को कन्याओं की सृष्टि करने की सलाह दी। फिर दक्ष ने असिकनी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन्होंने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास्व को और शेष तारक्ष नामधारी कश्यप को ब्याह दी। चंद्रमा, अश्विनी आदि 27 पत्नियों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। दक्ष कन्याएं भी चंद्रमा को पति रूप में प्राप्त कर आनंद से खिल उठी। दक्ष कन्याओं में रोहिणी सर्वांग सुंदरी और सर्वगुण संपन्ना थी, अतः चंद्रमा की उसमें सर्वाधिक आसक्ति हो गई। वे रोहिणी से अत्यंत प्रेम करने लगे। चंद्रमा की अपने प्रति उपेक्षा और उदासीनता से दक्ष की शेष 26 कन्याओं को अत्यंत क्षोभ हुआ। पति की उपेक्षा से अत्यंत दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास गईं और पिता से अपने दुख का कारण बताकर उसके निवारण के लिए यथोचित उपाय करने के लिए प्रार्थना की। अपनी पुत्रियों की मनोव्यथा और चंद्रमा के विषम व्यवहार की बात सुनकर दक्ष भी अत्यंत दुखी हुए। वे चंद्रमा से मिले और उन्हें समझाते हुए बोले, विमले चकुले त्वम ही समुत्पन्नः कला निधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव। हे कलानिधे, तुम पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी सभी पत्नियां तुम्हारी ही आश्रित हैं तथा तुमसे अत्यंत प्रेम करने वाली हैं, फिर तुम्हारे प्रेम में विषमता क्यों है? तुम किसी के प्रति अधिक आसक्ति और किसी के प्रति अनासक्ति का व्यवहार क्यों करते हो? ये सर्वथा अनुचित है। पति का अर्थ सबका रक्षण और समान व्यवहार द्वारा सबको संतुष्ट करना है, किसी से कम और किसी से अधिक प्रेम करना नहीं। अपनी पत्नियों के प्रति तुम्हारा अब तक का व्यवहार क्षोभ और चिंताजनक है। जो व्यक्ति अपने आत्मीय जनों से विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार चंद्रमा को समझाकर दक्ष अपने आवास पर लौट गए, किंतु रोहिणी के प्रति अतिशय
आसक्ति के कारण चंद्रमा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने अपने पूज्य ससुर की न्यायोचित प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। सच है, जिसे प्रारब्धानुसार कष्ट मिलना होता है, उसे सत्य में असत्य और असत्य में सत्य की प्रतीति होती है। वह असत कर्मों का आचरण करने लगता है। सदुपदेश भी उसे सन्मार्ग पर नहीं ला सकता। चंद्रमा के असत व्यवहार से अप्रसन्न होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग होने का भयंकर श्राप दे दिया। श्रूयताम चंद्र यत् पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया नमानितं त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही चंद्रमा दिनों दिन क्षीण होने लगे। उनका दिव्य सौंदर्य नष्ट हो गया। सुधाकर के क्षीण हो जाने से भूमि पर सुधा वर्षण का कार्य बंद हो गया। अन्न और औषधियों का सार समाप्त हो गया, फलतः धरती पर अन्न और औषधियों का अभाव हो गया। देव और पितृकर्म बंद हो गए, चराचर जगत संतप्त हो गया। सभी लोग त्राही त्राही की पुकार करने लगे। चंद्रमा की प्रार्थना पर इंद्रादि देवता ऋषि मुनियों को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा के प्रमाद के कारण ही यह आसन्न संकट उपस्थित हुआ है। दक्ष के शाप को भोगना ही चंद्रमा का भवितव्य है। भावी को मिटाने में मैं भी असमर्थ हूं। केवल आशुतोष भगवान शिव ही प्रसन्न होने पर भावी को मिटा सकते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने की साधना कठोर तपस्या है। अतः चंद्रमा देवताओं और ऋषियों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का लिंग स्थापित करके उनकी विधिवत आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का सविधि अनुष्ठान करें। कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को आरोग्य प्रदान करेंगे। पितामह ब्रह्मा के सदुपदेश और आदेश को स्वीकार करके चंद्रमा वशिष्ठादि ऋषियों एवं देवताओं के साथ प्रभास तीर्थ पहुंचे। वहां पर शिवलिंग की स्थापना करके वे सविधि भगवान शिव की आराधना एवं महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में उन्होंने 6 माह तक लगातार खड़े रहकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप किया। चंद्रमा की कठोर तपस्या से भगवान धूर्जटी प्रसन्न हुए। वे चंद्रमा के समक्ष अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। कर्पूर गौर भस्म लेपित वदन नागेंद्र हार से विभूषित भगवान आशुतोष की दिव्य छटा को देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गए। प्रेम की अधिकता से उनके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े और उन्होंने भाव विवल स्वर में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आपने अपनी कृपा से हमें अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आप इस सृष्टि के आदि पुरुष तथा मन वाणी एवं बुद्धि से सर्वथा अतीत हैं। वेद भी आपकी सीमा का निर्धारण न कर सकने के कारण नीति नीति कहकर शांत हो जाते हैं। मैं मूढ़ और अधम भला आपकी क्या स्तुति और आराधना कर सकता हूँ। आप अनंत करुणा वरुणालय होने के कारण केवल अपनी कृपा से ही दर्शन देकर जीवों को कृतकृत्यता का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगकर संतुष्ट हो जाओ। कलाधर बोले, हे महेश्वर, मैं अपने पूज्य ससुर के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त होकर उत्तरोत्तर क्षीण शक्ति हो रहा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे आरोग्य और
यश प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूं। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम 16 कलाओं से पूर्ण होकर पूर्ण चंद्र हो जाओगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके कलाहीन चंद्र पुनः कलाधर हो गए और सारे संसार में सुधाकर की किरणों के द्वारा प्राण संचार होने लगा। पीछे चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव भवानी सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए प्रभास क्षेत्र में स्थित हो गए। निराकार शिव का साकार लिंग श्री सोमेश्वर या श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में तभी से प्रसिद्ध हुआ। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के संदर्भ में शिव पुराण का कथन है। प्रभासं च परिक्रम्य पृथ्वी क्रमसंभवम् फलं प्राप्नोति शुद्धात्मा मृतः स्वर्गे महीयते। सोमलिंगं नरो दृष्ट्वा सर्वपापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलं मनोभीष्टं मृतः स्वर्गं समीहते। यद्यत् फलं समुद्दिश्य कुरुते तीर्थमुत्तमम् तत्तत् फलमवाप्नोति सर्वथा नात्र संशयः। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेता है और वह शुद्धात्मा पुरुष मरने पर स्वर्ग जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं के उद्देश्य से इस तीर्थ का सेवन करता है वह उन उन फलों को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।